वासियों को आखिर क्या कुछ मिला? देखिए, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो मोटे तौर के ऊपर कुछ घोषणाएं जो सीधे तौर पर अजमेर से जुड़ी हुई थी, बात चाहे आयुर्वेदिक महाविद्यालय की कर लेते हैं और या फिर डीएनए लैब की कर लेते हैं, उसके साथ साथ मसूदा के अंदर एक अल्पसंख्यक छात्रावास की बात कर लेते हैं, कुछ मोटे तौर पर बड़ी चीजें। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, क्या उनको लगता है इस बजट से कुछ मिल पाया है? सर देखिए, मैं एक खिलाड़ी भी रहा हूँ और खिलाड़ी होने के नाते जो इसके अंदर जो हमारे जो पहले जो खिलाड़ियों को जो पदक लाते थे उनको जो राशि मिलती थी उसके अंदर जो इजाफा हुआ है उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर जो राशि बढ़ाई है वो 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़, और जो कॉमनवेल्थ के अंदर जो आएंगे खिलाड़ी उनको 1 करोड़, और सुविधा पे उन्होंने 500 कोच जो अभी कोचेज वगैरह की जो हमारे को दुविधा आ रही है उसके लिए उन्होंने जो इसमें घोषणा करी उसका मैं स्वागत करता हूं। और अजमेर का नागरिक होने के नाते जो हृदय ट्रांसप्लांट की एक यूनिट उन्होंने इसके अंदर घोषणा करी है, एक उन्होंने इसके अंदर हमारे डीएनए टेस्ट के लैब की घोषणा करी है और अजमेर में होम्योपैथिक की करी है, दूसरा बेरोजगारों के लिए एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, 53,000 नई भर्तियां करी है, सभी उपखंडों के ऊपर उन्होंने एक एक स्टेनोग्राफर और एक सूचना सहायक का पद सृजित किया है। तो विशेष तौर पर मैं इस बजट को अच्छा बताता हूँ और मुख्यमंत्री जी आपके मंच के माध्यम से ये कहता हूँ कि डीए की जो घोषणा करी है वो तो हमारा एक रूटीन वर्क था, हमारे कर्मचारी वर्ग जितने भी संगठन जो काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उनको तुरंत बुलाएं और उनके 9 सूत्री और 15 सूत्री जो मांग पत्र हैं उनके ऊपर भी वो संज्ञान ले और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सरकार अच्छी चले, हम चाहते हैं हम भी उनके कर्मचारी हैं जो गांव डाणी से लगा के हम उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ठीक है, पूरे बजट के अंदर शिक्षा और रोजगार को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, क्या लगता है उस पैमाने पर कहीं खरा उतरा है बजट? जी निश्चित तौर पर मुझे एक युवा होने के नाते ये बजट अच्छा लगा, किंतु ये जो 53,000 जो भर्ती की घोषणा की गई है ये स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही उम्मीद करते हैं युवा राज्य के कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा मात्र न रह करके इसे जो है ज़मीन पर जो है खरा उतारे, तय समय के अनुसार इसे पूरा करें, ऐसी हम युवा उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से। अजमेर की खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इस जिले की अपेक्षाएं पूरी होती हुई दिखी क्या? क्योंकि बात चाहे पेयजल की कर लेते हैं, शिक्षा और चिकित्सा की कर लेते हैं, तमाम ऐसी चीजें थी बजट पूर्व जब हमने चर्चा की थी तो ये मुद्दे उभर कर सामने आए थे। मनवीर जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो बजट है ये केवल कपोल काल्पनिक कल्पना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, सरकार ने कुछ नहीं बताया कि कैसे इस शिक्षा के क्षेत्र को हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप चिकित्सा में देख लें, चिकित्सा में केवल एक होम्योपैथिक महाविद्यालय के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं दी है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर बहुत ही गंभीर अवस्था में है, जिसको सुधारने के लिए या जिसमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए कोई प्रावधान किसी भी तरह का नहीं है। संभाग के अंदर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जैसा कोई दूसरा चिकित्सालय खोलने के लिए कोई बात नहीं की है। रही बात खिलाड़ियों को रोजगार देने की या खिलाड़ियों का पैसे बढ़ाने की बात, तो इस सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि स्टेट लेवल के प्लेयर्स को या नेशनल लेवल के प्लेयर्स को या जिन प्लेयर्स को मेडल नहीं मिला है उनको रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराए जाएंगे या उनको रोजगार किस तरह दिया जाएगा। ओलंपिक प्लेयर्स को या नेशनल इंडिया प्लेयर को तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सेक्टर ले जाता है और अपने साथ में नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के प्लेयर होते हैं उनको कहीं पर कुछ नहीं है। तो अजमेर के लिए तो केवल एक ये मान के चलते हैं, अपन शिक्षा में भी कुछ नहीं दिया, चिकित्सा में भी कुछ नहीं दिया। आप रोजगार के अंदर आप देखते हो तो 53,000 भर्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन उस 53,000 भर्तियों का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या किन क्षेत्रों में हम उन 53,000 व्यक्तियों को खपाएंगे वो कहीं नहीं बताया गया। नहीं, ठीक है, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि शिक्षा के लिए जो है जिक्र किया गया, इसके अलावा मेडिकल सेक्टर के लिए